विषय करने जा रहे हैं वो है मुहावरे। मुहावरों का भाषा में विशेष महत्व। भाषा मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक साधन है और मुहावरे उसे आकर्षक, प्रभावशाली और सशक्त बनाने का काम करते। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से आया है जिसका अर्थ है अभ्यास। जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण एक विशिष्ट अर्थ देने लगे उसे हम मुहावरा कहते। जैसे मुंह में पानी आना सामान्य बात, परंतु इसका अभ्यास के कारण इसका अर्थ कहलाता है ललचाना। मुहावरों को हम एक गतिविधि के माध्यम से करते। आप एक एक करके यहाँ पर आएंगे, यहाँ रखी पर्ची में लिखे मुहावरे को पढ़ेंगे, उसका अभिनय करेंगे और शेष कक्षा में बैठे बच्चे उसका अर्थ और मुहावरा बतलाएंगे। जैसे आप दमशास खेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने अभिनय के माध्यम से मुहावरे रोचक ढंग से करने हैं। सूरज को दीपक दिखाना बहुत प्रसिद्ध की थोड़ी प्रशंसा करना। बिल्कुल सही। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मुसीबत को न्योता देना। शाबाश। घोड़े बेचकर सोना निश्चिंत होना। बहुत अच्छे। दबे पांव आना चोरी छुपे आना। शाबाश। एड़ी चोटी का जोर लगाना बहुत परिश्रम करना। बहुत अच्छे। तो देखा बच्चों, मुहावरे जैसे रोचक विषय को इस गतिविधि के माध्यम से कर आप लोगों ने और रोचक बना दिया। इससे न केवल भाषा सशक्त हुई अपितु अभिनय कला का भी विकास हुआ। धन्यवाद।